डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चुरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया एंड देयर इम्पोर्टेंस। क्रस्टेशिया के लार्वा पढ़ेंगे आज अपन। और क्रस्टेशिया, सबसे पहले तो ये कि क्रस्टेशिया जो क्लास है उसके अंदर बहुत सारे लार्वा पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा लार्वा इसी क्लास के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं क्रस्टेशिया क्या है। फाइलम आर्थ्रोपोडा की एक क्लास का नाम है क्रस्टेशिया। और उसमें जो एनिमल्स रहते हैं, उन एनिमल्स की क्या विशेषता होती है कि उनका जो हेड, थोरिक्स और एब्डोमन, जो बॉडी के तीन भाग होते हैं, उसमें से हेड और थोरिक्स दोनों आपस मिलकर के सिफेलोथोरिक्स बनाते हैं। और इसके अलावा एब्डोमन पाया जाता है। तो बॉडी के दो ही पार्ट है, सिफेलोथोरिक्स और एब्डोमन। दूसरा इनकी बॉडी के ऊपर है वो एक्जोस्केल्टन का कंकाल बना रहता है, सॉरी उसके अंदर एक्जोस्केल्टन पाया जाता है। काइटिन का बना हुआ है वो कंकाल इसके ऊपर पाया जाता है, जो समय समय पर उतरता भी रहता है। इसकी जो लार्वा है, खूब सारे इसके अंदर लार्वा पाए जाते हैं। और वो लार्वा, जैसे एक तो होता है डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट, और एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें लार्वावस्था नहीं होती है, और जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसमें लार्वावस्था पाई जाती है। इसका मतलब जो लार्वल फेज होती है, इसका मतलब है उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और जिसमें लार्वा नहीं होता वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। क्लास क्रस्टेशिया के अंदर दो एनिमल है, एक है पेलीमोन और एक होता है क्रेफिश। पेलीमोन और दूसरा है क्रेफिश। ये दो एक ऐसे एनिमल है जिनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। इसके अलावा जितने भी क्लास, जितने भी एनिमल है उसके अंदर लार्वा पाए जाते हैं। इन लार्वा की एक विशेषता और होती है कि एक लार्वा दूसरी स्टेज में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये लार्वा अपने अडल्ट से काफी मिलते जुलते होते हैं, इसलिए कई बार इनका, इनको पूरा का पूरा एक कंप्लीट एनिमल समझ लिया जाता है। और उसके आधार पर इनके जेनेरा के नाम भी रखे हुए हैं। पहले कई बार बहुत सारे ऐसे लार्वा है जिनको पूरा एनिमल, जैसे नोप्लियस भी है, जोइया भी है, माइसिस भी है, उनको कंप्लीट एनिमल समझा जाता था और ये पता नहीं था कि ये लार्वा है। लेकिन धीरे धीरे उनके बाद में पता चला कि ये इनकी लार्वा अवस्था है। लार्वा, इनके जो लार्वा है और अडल्ट को अपन देखें तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते। केवल इनमें अपेंडिजेस जो होते हैं उनकी संख्या कम होती है लार्वा अवस्था में। जब ये इमेच्योर स्टेज में होते हैं तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या बन जाता है, एक एक्सोस्केलेटन बन जाता है जो इसकी ग्रोथ को रोक देता है। उसके बाद में इसमें मोल्टिंग होती है तो नेक्स्ट स्टेज का लार्वा बनता है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज का लार्वा बनता है। इस प्रकार से कुछ एनिमल ऐसे हैं जिसमें एक ही प्रकार का लार्वा पाया जाता है, और कुछ ऐसे एनिमल है जिसके अंदर बहुत से प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा समझने के लिए चार्ट बनाया कि जैसे इसमें फर्स्ट जो लार्वा होता है क्रस्टेशिया का, वो कौन सा होता है, नोप्लियस लार्वा होता है। और वो नोप्लियस लार्वा मेलेकोस्टेकंस और कोपीपोड्स में पाया जाता है। मेलेकोस्टेकंस और कोपीपोड्स में नोप्लियस लार्वा पाया जाता है, और ये फर्स्ट स्टेज लार्वा होता है। ये नोप्लियस लार्वा सेकेंड स्टेज लार्वा में कन्वर्ट होता है, जिसका नाम है मेटानोप्लियस। ये एक चार्ट बता रहा हूं मैं अभी तो आपको, उसके बाद में अपन इनकी सबकी डिटेल लेंगे। तो सेकेंड स्टेज का लार्वा है वो कौन सा है, मेटानोप्लियस लार्वा है। केवल इनके अपेंडिजेज में अंतर होता है। मेटानोप्लियस लार्वा किस में पाया जाता है, डेकापोड्स में, स्टोमेटोपोड्स में, और जैसे एक एग्जाम्पल एपस, एपस एनिमल है उसके अंदर ये मेटानोप्लियस पाया जाता है। नोप्लियस जो है उसमें जो अपेंडिजेज होते हैं जिसके द्वारा लोकोमोशन ये करते हैं, वो कौन से होते हैं, हेड अपेंडिजेज, सिफेलिक अपेंडिजेज होते हैं, और इसमें थोरेसिक अपेंडिजेज होते हैं। इसी तरीके से उसके बाद में एक मेगालोप आता है, वो भी उसमें अब्डोमिनल अपेंडिजेज होते हैं जो कि लोकोमोशन में काम आते हैं। तो ये सेकेंड स्टेज लार्वा है। नोप्लियस कई बार देखा गया है प्रोटोजोइया में भी कन्वर्ट होता है। तो एक लार्वा कौन सा होता है, प्रोटोजोइया, जो पेनियस और सर्जिड्स में पाया जाता है, तो प्रोटोजोइया ये इंपोर्टेंट लार्वा है। उसके बाद में देखिए एक जोइया लार्वा है।
और जो ये लार्वा है वो सेकेंड इंपोर्टेंट लार्वा है क्रस्टेशिया क्लास का, सबसे इंपोर्टेंट अपन से एक नंबर पे कौन सा बताया, नोप्लियस, जो मैक्सिमम एनिमल्स के अंदर है, जो कि प्रोटोजोइया में भी कन्वर्ट होता है और मेटानोप्लियस में भी कन्वर्ट होता है। उसके बाद में एक जोइया लार्वा है, जोइया डायरेक्ट प्रोटोजोइया से भी बनता है और नोप्लियस से भी बनता है। ये जोइया लार्वा डेकापोडा जितने भी है, पेनिस और सर्जिड्स, इसमें तो अपने क्या बताया प्रोटोजोइया, पेनियस और सर्जिड्स में, तो पेनिसिड और सर्जिड को छोड़कर के जितने भी डेकापोड्स है उसमें जोइया लार्वा होता है, जो कि सेकेंड इंपोर्टेंट लार्वा है क्रस्टेशिया क्लास का। और एक है साइप्रिस, नोप्लियस सीधा साइप्रिस में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो कि सीरीपीडिया, सेकुलाइना और लिपास में मिलता है। सीरीपीडिया ऑर्डर, लिपास और सेकुलाइना जंतु है उनमें मिलता है साइप्रिस। तो नोप्लियस यहां देखिए आप प्रोटोजोइया में भी कन्वर्ट हो रहा है, मेटानोप्लियस में भी हो रहा है, जोइया में भी हो रहा है और साइप्रिस में हो रहा है। तो ये नोप्लियस। इसके बाद में सेकेंड इंपोर्टेंट कौन सा आता है, जोइया। अब आप जोइया से देखिए मेगालोपा बन रहा है, तीन लार्वा दिखाया अपन ने यहां पे, मेगालोपा, ग्लूकोथी और माइसिस। मेगालोपा किसमें बनता है, ब्रेक्यूरिन डेकापोड्स जो है उनमें मेगालोपा बनता है। और हर्मिट क्रेब, ये भी क्रेब है, एक्चुअल ट्रू क्रेब है, जिसमें कौन सा आता है, मेगालोपा। हर्मिट क्रेब के अंदर ग्लूकोथी, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है मेगालोपा और ग्लूकोथी में, ये अपन डिटेल जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। उसके बाद में आता है माइसिस। तो देखिए पेनिड डेकापोड्स एक्सेप्ट करता है अपन यहां पे, तो उसमें पेनिड डेकापोड्स में कौन सा मिलता है, माइसिस लार्वा, जो कि इसका अडल्ट भी होता है उसको भी माइसिस बोलते हैं, लार्वा भी क्या है, माइसिस है। तो ये मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट लार्वा है, वैसे बहुत सारी वेराइटी होती है लार्वा की। यहां पर मैंने दो नाम और लिख रखे, एक फाइलोसोमा और एक है एलिमा। ये मॉडिफाइड, देखिए मॉडिफाइड है ये, मॉडिफाइड जोइया, मॉडिफाइड जोइया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जोइया से बनते हैं, बट जोइया के जैसे होते हैं, मॉडिफाइड है। ये फाइलोसोमा मिलता है स्पाइनी क्रेब और सेल लॉबस्टर के अंदर, और एलिमा मिलता है स्क्विला के अंदर। तो ये विभिन्न प्रकार के लार्वा है। अब इनकी अपन डिटेल है वो फिर से लेंगे, एक बार फिर बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझने में डाउट होता है कि कौन सा लार्वा के बाद में कौन सी अवस्था है और कौन सा किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर समझने के लिए मैंने बताया, पहले नोप्लियस, उसके बाद में मेटानोप्लियस कन्वर्ट हो जाता है, कई बार प्रोटोजोइया में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटोजोइया जोइया में कन्वर्ट हो जाता है, और कई बार नोप्लियस है वो साइप्रिस में कन्वर्ट होता है। तो ये फर्स्ट स्टेज लार्वा, और ये जोइया सेकेंड इंपोर्टेंट लार्वा है, जो कि सीधा एम्ब्रियोनिक पीरियड में हैचिंग से पहले नोप्लियस हो सकता है, लेकिन हैचिंग के बाद में जो होगा वो कौन सा, जोइया, और वो जोइया फिर आगे जाकर के कन्वर्ट होता है मेगालोपा, ग्लूकोथी में और माइसिस में। और ये दो मैंने बताया, फाइलोसोमा और एलिमा, ये दोनों मॉडिफाइड जोइया है। तो इस प्रकार से ये एक चार्ट बनाया अपन ने कि किस पर कौन कौन से लार्वा होते हैं। नेक्स्ट अपन एक एक का डिटेल लेते हैं। तो नोप्लियस लार्वा फर्स्ट है अपना, नोप्लियस लार्वा। अब अपन प्रत्येक लार्वा की स्टडी थोड़ा सा डिटेल में करते हैं विद डायग्राम। तो सबसे पहला अपना नोप्लियस लार्वा है, और ये नोप्लियस लार्वा अपन ने पहले भी बताया कि फर्स्ट स्टेज लार्वा है, सबसे पहला वाला लार्वा है, जो कि मालकोस्टेकन से ऑर्डर के अंदर ये मिलता है। इस नोप्लियस लार्वा को अपन देखें तो ये एकदम से माइक्रोस्कोपिक तो है, ये फ्री स्विमिंग लार्वा है, मेराइन है, फ्री स्विमिंग है, और शेप इसकी है वो लगभग ओवल है। इसकी बॉडी के अंदर भी तीन पार्ट होते हैं, लेकिन वो इनडिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है, वो एकदम से क्लियर नहीं होते। तीनों पार्ट्स है वो, जो इसका हेड और थोरिक्स और एब्डोमेन है, तीनों क्लियर नहीं होते, लेकिन इनडिस्टिंक्ट थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ये। और इस लार्वा के अंदर भी वही है जो अपेंडिजेज पाए जाते हैं, और उस तीन जोड़ी अपेंडिजेज पाए जाते हैं। सबसे पहला है एंटीनोड, उसके बाद में है एंटीना, और उसके बाद में मेंडिबल, यानी थ्री पेयर अपेंडिजेज यहां पे पाए जाते हैं। जो थ्री पेयर अपेंडिजेज है वो कौन से, एंटीनोड, मेंडिबल और एंटीना।
इनमें से केवल एंटीन्यूल जो है वो यूनिरेमस है, आगे से बाइफर्केटेड नहीं है, जबकि ये दोनों बाइफर्केटेड है, यानी एंटीन्यूल यूनिरेमस और एंटीना और मैंडिबल क्या है, बायरेमस है। तो यहां पर थ्री पेयर अपेंडिजेस पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां पर मीडियन आई मिलती है और ये नोक्लियस लार्वा है, वो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। और अपने पहले भी बताया था कि यहां पे जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो कौन सा है, एंटीन्यूल। इन एंटीना एंटीन्यूल की सहायता से ये है वो तैरता है, ठीक है, एंटीना और एंटीन्यूल की सहायता से ये मूवमेंट करता है। और ये नोक्लियस लार्वा है वो सेकेंड स्टेज जो लार्वा होता है मेटानोक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर ये अपन ने क्या बना रखा है, मेटानोक्लियस लार्वा, जो कि स्टोमेटोपोड्स में मिलता है, नोटोस्टेकन्स में मिलता है, एपस अपन ने यहां पर एक एनिमल का एग्जाम्पल लिया जिसके अंदर ये पाया जाता है। यहां पर भी बॉडी के तीन पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं, हेड, थोरिक्स, एब्डोमन, लेकिन यहां पर थोरिक्स और हेड मिलकर के सेफेलोथोरिक्स बनाए रखते हैं और नीचे क्या पाई जाती है, एब्डोमन। इसकी जो एब्डोमन है वो फोर्क्ड होती है, बाइफर्केट होती है, कॉडल फोर्क पाया जाता है इसके अंदर। यहां पर भी अपेंडेजेस अपन देखें तो वही थ्री पेयर है, एंटीनूल, उसके बाद में ये दिखा रखी है अपन ने बाइफर्केटेड बायरेमस एंटीना, और तीसरा ये बायरेमस क्या दिखा रखा है, मैंडिबल, यानी एंटीनूल, एंटीना और मैंडिबल, ये तीन जोड़ी उपांग यहां पर पाए जाते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त क्या है, यहां पे फ्रंटल सेंस ऑर्गन दिखा रखा है अपन ने, तो ये फ्रंटल सेंस ऑर्गन है वो डेवलप हो जाता है इसमें, यानी सेंस ऑर्गन यहां पर डेवलप होने शुरू हो गए। इसके अतिरिक्त देखिए यहां पर क्या है, ये यहां पर दिखा रखा अपन ने मैग्जिला और ये दिखा रखा है मैग्जिलिपीड। इसका मतलब यहां पर मैग्जिला और मैग्जिलिपीड की रूडिमेंट्री यानी वो डेवलप होने शुरू हो चुके हैं इसके अंदर, बाकी फुली डेवलप्ड है वो तीन जोड़ी उपांग ही यहां पे पाए जाते हैं। तो यहां पे जो तैरने का काम करता है वो कौन करता है, एंटीना, यहां पर कौन करती है, एंटीन्यूल, और यहां पर कौन करता है, एंटीना। तो ये अपने पहले भी बताया था कि इसमें सिफेलिक अपेंडिजेस मूवमेंट में हेल्प करते हैं, यहां पर थोरेसिक और यहां पर एब्डोमिनल, एब्डोमिनल इसकी जगह मेगालोपलार्वा के अंदर है। इसके अलावा देखिए यहां पे मीडियन आई भी पाई जाती है, ये मीडियन आई दिखाई है अपन ने, और ये वाला ये दिखा रखा है अपन ने, और एक बीच में ये दिखा रखा है, ये क्या है, मैग्जिली, और ये क्या है, मैग्जिली पीड। तो इनके रूडिमेंटरी भी यहां पर डेवलप हो गए। तो ये सेकेंड स्टेज का लार्वा है, कौन सा, मेटानोप्लियस, नोप्लियस के बाद में मेटानोप्लियस, और उसके बाद में आता है थर्ड स्टेज लार्वा जिसको अपन प्रोटोजोया लार्वा बोलते हैं, जो कि पीनियस और सर्जिट्स में मिलता है, मेरेन प्राण के अंदर भी मिलता है ये। यहां पर देखिए आप सेवन पेयर अपेंडिजेस डेवलप हो गए, कुछ उसमें से रूडिमेंट्री भी है। जैसे देखिए यहां पर भी क्या है, एंटीना एंटीन्यूल है, एंटीना भी है, ठीक है, और उसके बाद में यहां पर अपने दिखा रखा है मैंडिबल। तो ये तीन जोड़ी उपांग सभी के अंदर पाए जाते हैं, कौन से, एंटीन्यूल, एंटीना और मैंडिबल। इसके अतिरिक्त आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए मैग्जिला डेवलप हो गए यहां पे, एक दो जोड़ी मैग्जिला यहां पे दिखा रखा है अपन ने, और ये रूडिमेंट्री ऑफ मैग्जिला भी यहां पर दिखाई दे रहा है, और इसमें मैग्जिलिपीड भी है वो डेवलप होने लग जाती है। तो इस प्रकार से यहां पर सेवन पेयर अपेंडिजेस पाए जाते हैं। यहां पर देखिए आगे लिम्ब डेवलप होने के लिए थोरेसिक लिम्ब, यहां पर ये थोरेसिक लिम्ब दिखाई है, ये इसका एब्डोमन है। लेकिन इसके अलावा देखिए एब्डोमन में यहां पर यूरोपोड भी डेवलप हो गया और टेलसन भी बन गया, जो कि आप प्रॉन के अंदर देखते हैं। प्रॉन की अगर आपको अडल्ट संरचना स्ट्रक्चर अगर ध्यान में आ रहा हो तो उसमें यूरोपोड भी पाया जाता है और टेलसन भी पाया जाता है। तो यहां पर देखिए यूरोपोड और टेलसन भी बनने लग गया, थोरेसिक लिम्ब जो आगे जाकर के लेग बनाएगी उसकी रूडिमेंट्री अवशेष यहां पर दिखा रखे हैं, मैग्जिला यहां पर बन गया, आई कंप्लीट आई भी यहां पर पाई जाती है, और वही एंटीनूल क्या है, यूनिरेमस, बाकी सारे क्या है, यहाँ पे बायरेमस अपेंडिजेस होते हैं। तो ये प्रोटोजोया लाया लार्वा जो कि थर्ड स्टेज का लार्वा है। तो इस प्रकार से ये तीन जो इंपोर्टेंट लार्वा है, इसके अलावा जो एक और इंपोर्टेंट लार्वा है जो ये वो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये क्या है, नोप्लियस, और ये उसके बाद में उससे बनने वाला मेटानोप्लियस, और ये प्रोटोजोया जिसके अंदर तीन जोड़ी ज्यादातर अपेंडिजेज है, इसमें सेवन पेयर अपेंडिजेज पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं अपन।
नेक्स्ट अपन लेते हैं जुया लार्वा। तो सबसे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा, नोप्लियस, उसके बाद में मेटानोप्लियस, उसके बाद में प्रोटोजोया, और उसके बाद में आता है जुया लार्वा। तो यहां पर देखिए अपन ने ये जुया लार्वा बना रखा है। तो प्रोटोजोया किसमें कन्वर्ट होता है, जुया लार्वा के अंदर। और ये जुया लार्वा है वो क्रस्टेशिया का सेकेंड इंपॉर्टेंट लार्वा है, फ्री स्विमिंग लार्वा है ये लार्वा। इस लार्वा की अपन अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर भी सिफेलोथोरिक्स और एब्डोमेन पाया जाता है, लेकिन कुछ एडवांस कैरेक्टर देखिए आप इसके अंदर। यहाँ पर मीडियन डोर्सल स्पाइन पाया जाता है, हार्ट भी यहाँ पर डेवलप हो गया है। इसके बॉडी के ऊपर जो आवरण पाया जाता है जिसको अपन एक्सोस्केलेटन कहते हैं, तो वो केरापेस भी इसके ऊपर बन चुका है। तो ये सिफेलोथोरिक्स है और ये एब्डोमेन है। इसके आगे देखिए रोस्ट्रम भी निकल आया है, ठीक है। तो ये एडवांस कैरेक्टर है क्योंकि ये अपन ने पहले भी कहा कि जोया के जो लार्वा है वो अडल्ट से मिलते जुलते हैं, केवल और केवल अपेंडिजेज की कुछ स्ट्रक्चर और उनके नंबर्स में डिफरेंस होता है। तो यहां पर देखिए जो अपेंडिजेज है वो कौन सा, देखिए वन पे एंटीनू, उसके बाद में वन पे एंटीना, मैगजिला यहां पर है, और यहां पर ये देखिए सेकेंड मैगजिला है। ये रोस्ट्रम दिखा रखा अपन ने, ये क्या एंटीनूल, ये पूरा का पूरा बायरेमस, ये यूनिरेमस एंटीनूल है, लेकिन एंटीना क्या है यहां पर बायरेमस एंटीनूल है। उसके बाद में देखिए ये फर्स्ट मैग्जिलिपीड है, फर्स्ट मैग्जिलिपीड, सॉरी ये क्या है मैग्जिला, और मैग्जिला के बाद में ये फर्स्ट मैग्जिलिपीड और ये सेकेंड मैग्जिलिपीड, यानी यहां पर फर्स्ट मैग्जिलिपीड और सेकेंड मैग्जिलिपीड भी है वो पूरी डेवलप हो गई है जोया में, जो अब तक अपन ने नहीं देखा था। तो एंटीनूल पहले वाले में अपन ने केवल देखा नोप्लियस में, मेटानोप्लियस में, प्रोटोजोया में एंटीनूल, एंटीना और मैंडिबल। यहां पर देखिए एंटीनूल है, यूनिरेमस, एंटीना, मैग्जिला है, मैग्जिला भी डेवलप हो गई, फर्स्ट मैग्जिलिपीड भी है और सेकेंड मैग्जिलिपीड भी है, और ये बायरेमस होती है, द्विशाखित होती है। इसके अलावा देखिए यहां पे क्या है, सिक्स सेगमेंटेड एब्डोमेन है, 1 2 3 4 5 6 सेगमेंटेड के एब्डोमेन है, और लास्ट में इसमें क्या है कोडल फरका। यहां पर एब्डोमिनल सेगमेंट के साथ में देखिए यहां पे ये जो अपन ने दिखा रखा है ये क्या दिखा रखा है, थोरेसिक अपेंडिजेस। तो यहां पर थोरेसिक अपेंडिजेस भी डेवलप होने शुरू हो गए। तो ये जो ये लार्वा किसमें पाया जाता है, डेकापोडा में, जिसके अंदर काफी हद तक है वो अपेंडिजेस है, केवल और केवल थोरेसिक अपेंडिजेस है वो थोड़े लेस डेवलप्ड है। तो ये जोया लार्वा है, और ये जोया लार्वा बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट में। लेकिन एक मेलेकोस्ट्रे का जो ऑर्डर है उसमें कुछ डेकापोड्स के अंदर मेलेकोस्ट्रे का है उनमें जोया किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटाजोया में, अदरवाइज सब में किस में कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट में। लेकिन मेलेकोस्ट्रे का के अंदर क्या है, मेटाजोया में कन्वर्ट हो जाता है। इस मेटाजोया का अपन अगर डायग्राम देखे, संरचना देखे, तो बिल्कुल जोया की जैसी है। अंतर केवल कितना है कि यहां पर जो फर्स्ट मैग्लिपीड है और सेकंड मैग्लिपीड दिखा रखिए, इस मेटाजोया के अंदर थर्ड मैग्लिपीड भी डेवलप हो जाती है। और दूसरा अंतर क्या है, ये जो एब्डोमेन है उसके ऊपर एब्डोमिनल सेगमेंट विकसित हो जाते हैं। तो दो डिफरेंस है कि इसमें जोया और मेटाजोया के अंदर, पहला क्या बताया अपन ने, थर्ड मैग्लिपीड डेवलप हो जाती है और उसके बाद में एब्डोमेन के ऊपर एब्डोमिनल अपेंडिजेस लग जाते हैं। तो ये अपना पांचवा लार्वा कौन सा हुआ, मेटाजोया। इसका अपन ने डायग्राम अलग से नहीं बनाया क्योंकि इसमें केवल दो ही संरचना में अंतर है, एक तो थर्ड मैग्जिलिपीड डेवलप हो जाती है और एक है ये एब्डोमेन जो है उसके ऊपर जो अपेंडिजेस है वो डेवलप हो जाते हैं मेटाजोया में। नेक्स्ट आता है साइप्रस लार्वा, ठीक है। तो नोप्लियस से कौन सा बनता है, साइप्रस लार्वा। अब इस साइप्रस जो लार्वा है वो लार्वा जोया से भी बनता है, और इस लार्वा की क्या विशेषता है कि ये लार्वा एक सेल के अंदर अंदर रहता है, यानी इसके बाहर है वो सेल का आवरण पाया जाता है और उसी के अंदर ये लार्वा रहता है, और ये लार्वा कई बार मोटा मेटामोर्फोसिस करके और लास्ट में अडल्ट साइप्रस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर बाहर ये अपन ने एक आवरण दिखाया, इसके अंदर ये लार्वा है। और इस लार्वा की विशेषता क्या है, तो ये ट्राइंगुलर है। दूसरा यहां पर भी अपेंडिजेस देखिए, केरापेस भी पाया जाता है, और यहां पे अपेंडिजेज है वो सेवन पेयर अपेंडिजेज होते हैं। ये वन पेयर अपन ने क्या दिखा रखी है, एंटीनूल, और उसके अलावा
ये जो आप सिक्स पेयर दिखा रखे हुए, ये क्या थोरेसिक लिम्ब या थोरेसिक अपेंडिजेज है, और इसके ऊपर तो सेवन पेयर क्या पाए जाते हैं यहां पर अपेंडिजेज, वन पेयर एंटीन्यूल और सिक्स पेयर क्या पाए जाते हैं थोरेसिक लिम्ब या थोरेसिक अपेंडिजेज। इसके अलावा इसके अंदर कुछ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स रहती है और उन अनडिफ्रेंशिएटेड सेल यहां पर अपने दिखाई है बने हुई है, और इन अनडिफ्रेंशिएटेड सेल की वजह से ये कई बार मेटामोर्फोसिस करके एक सेसाइल अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये साइप्रस लार्वा है। इसके बाद में आता है माइसिस। माइसिस लार्वा भी किससे कन्वर्ट होता है, जोया लार्वा से माइसिस लार्वा बनता है, और ये पाया जाता है किसमें, कुछ डेकापोड्स में और लोबस्टर के अंदर। ये माइसिस है वो जोया है वो माइसिस में कन्वर्ट होता है, अडल्ट में नहीं होकर के माइसिस में कन्वर्ट होता है, और इस माइसिस में भी एक सिफेरोथोरिक्स है और एक कर्व्ड है वो वक्रित क्या पाया जाता है एब्डोमेन पाया जाता है। यहां पर स्टार्क्ड आई भी मिलती है, रोस्ट्रम भी मिलता है, और यहां पे 13 जोड़ी अपेंडिजेज है, 13 पेयर अपेंडिजेज है। कौन से, एंटीनुल है, एंटीना, 5 पेयर है यहां पे थोरेसिक अपेंडिजेज है, और 5 पेयर क्या पाए जाते हैं प्लियोपोड्स जो तैरने के काम आते हैं, और इसके अलावा क्या होता है एक यूरोपोड। तो इस तरीके से ये माइसिस लार्वा है और ये अडल्ट माइसिस में कन्वर्ट होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लार्वा जो कि लोबस्टर में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है साइजोपोड। साइजोपोड अब देखिए ये तो है माइसिस और नेक्स्ट है साइजोपोड, 8 नंबर का साइजोपोड है, ये 9 नंबर है और ये मान लीजिए 10 नंबर। अब साइजोपोडा क्या है, माइसिस के जैसा का जैसा लार्वा होता है जिसको अपन साइजोपोडा बोलते हैं। तो ये एक एग्जांपल लिखा है अपन ने नेफ्रोप्स। ये नेफ्रोप्स में क्या है, माइसिस नहीं बल्कि क्या बनता है साइजोपोड जो कि माइसिस से लगभग मिलता जुलता होता है। तो ये 8 लार्वा। उसके बाद में अपना इंपोर्टेंट लार्वा आता है मेगालोपा लार्वा। अब ये मेगालोपा लार्वा जो अपने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है ये एक्चुअल में ट्रू क्रेब में पाया जाता है, वास्तविक जो क्रेब होता है, और संरचना भी देखिए आपको लगभग क्रेब के जैसे मिलती जुलती है। तो उस क्रेब में जोया जो है वो मेगालोपा में कन्वर्ट होता है। तो जोया देखिए यहाँ पर माइसिस में भी कन्वर्ट हो रहा है, मेगालोपा में भी कन्वर्ट हो रहा है, और फर्स्ट अपने चार्ट बताया था उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो जोया बहुत सेकंड इंपॉर्टेंट लार्वा है क्रस्टेशिया का, इसी से माइसिस बन रहा है, इसी से क्या बन रहा है मेगालोपा। अब ये मेगालोपा एक्चुअल में जोया से मेगालोपा बनता है किसमें, ट्रू क्रेब में। लेकिन जो क्रेब एक और होता है जिसमें क्या होता है पहले नोप्लियस बनता है फिर उसमें जोया बनता है और फिर उसमें मेगालोपा बनता है, जबकि ट्रू क्रेब के अंदर जोया सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाता है मेगालोपा में। तो ये क्रेब के जैसी संरचना, देखिए सिफेलोथोरिक्स है और एब्डोमन है, बाकी वही है जो रिपोर्ट। यहां पर देखिए आई पाई जाती है, स्टार्क्ड आई होती है, स्टार्क्ड आई पाई जाती है, कंपाउंड आई मिलती है, और यहां पर भी देखिए एंटीनुल, एंटीना और चिलेट लेक, ये मीडियन स्पाइन दिखा रखा अपने बीच में, और वही एंटीनुल है, एंटीना, चिलेट लेक है। यहां पर भी 13 पेयर अपेंडिजेज पाए जाते हैं, कितने 13 पेयर अपेंडिजेज पाए जाते हैं। और ये अपने क्या दिखा रखा है एब्डोमन, जिसके ऊपर यहां पर ये प्लियोपोड दिखा रखे हैं, और ये पीछे नीचे की तरफ क्या दिखा रखा है टेलसन, ये यहां पर थोरेसिक लेग दिखा रखी है। तो एंटीनुल, एंटीना, ये 5 पेयर होती है वो थोरेसिक लेग होती है, और उसके बाद में 5 पेयर क्या होते हैं प्लियोपोड्स पाए जाते हैं इसके अंदर, और ये क्या पाए मेगालोपा लार्वा है जो कि अडल्ट में यानी क्रेब में कन्वर्ट होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लार्वा है। इसके अलावा देखिए ग्लूकोथी। अब ये क्रेब बताया अपने, इन ट्रू क्रेब में क्या होता है जोया से मेगालोपा बनता है, और दूसरा जो क्रेब है उनमें नोप्लियस, नोप्लियस से जोया, जोया से क्या बनता है मेगालोपा। लेकिन देखिए हर्मिट क्रेब, हर्मिट क्रेब, हर्मिट क्रेब में मेगालोपा नहीं बनता है, मेगालोपा नहीं बनकर क्या बनता है ग्लूकोथी, जो कि लगभग इससे मिलता जुलता है, कुछ एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहां पर हर्मिट क्रेब में कौन सा पाया जाता है ग्लूकोथी। तो इस प्रकार से ये जोया, उसके बाद में मेटाजोया, साइप्रिस, माइसिस, साइजोपोडा और मेगालोपा और ग्लूकोथी, तो ये जो है लार्वा है क्रस्टेशिया का। इसके बाद में कुछ लार्वा और बच गए, तो अपन नेक्स्ट लेते हैं
नेक्स्ट अपना लार्वा है फाइलोसोमा। ये यहाँ पर अपन ने फाइलोसोमा का डायग्राम बना रखा है और ये फाइलोसोमा लार्वा है वो स्पाइनी लोबस के अंदर मिलता है और ये सीधा डायरेक्ट है वो हैचिंग के बाद में क्या बनता है फाइलोसोमा लार्वा। और ये कुछ हद तक जोया से भी मिलता जुलता होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हेड है, थोरेक्स है और एब्डोमेन है, तीनों बॉडी के पार्ट है वो एकदम से डिस्टिंक्ट है फाइलोसोमा के अंदर, हेड थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड वाले पार्ट के अंदर देखिए पूरे के पूरे जो अपेंडिजेज है एंटीन्यूल भी है एंटीना भी है और कंपाउंड आई इसमें पाई जाती है, तो ये हेड वाला पोर्शन है। थोरेक्स वाले पोर्शन में देखें तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड मैग्लिपिड पाई जाती है, तो यहाँ पर अपन देखिए थर्ड मैग्लिपिड दिखाई है डायग्राम में, तो फर्स्ट और सेकंड मैग्लिपिड है वो यूनिरेमस होती है और जो थर्ड में मैग्लिप फर्स्ट और सेकंड है यूनिरेमस है और थर्ड मैग्लिपिड है वो बाइरेमस होती है। इसके अतिरिक्त देखिए जो थोरेक्स वाला पार्ट है उस पर थोरेसिक लिम्ब यानी थोरेसिक लेग्स है वो पाई जाती है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स लेग्स यहाँ पे पाई जाती है। और नीचे इसका अपन ये एब्डोमेन दिखाया और ये एब्डोमेन है वो इसके ऊपर कोई भी है वो इसके ऊपर अपेंडिजेस नहीं पाए जाते हैं और ये फाइलोसोमा है वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो ये फाइलोसोमा लार्वा है। और फाइलोसोमा के बाद में लास्ट लार्वा अपन पढ़ेंगे एलिमा लार्वा, जो कि एक तरीके से मोडिफाइड जोइया है, जोइया का ये एक मोडिफाइड फॉर्म कहते हैं इसको। यहाँ पर सिफेलोथोरिक्स और एब्डोमेन ये दो भाग है जिसमें सबसे आगे आगे देखिए रोस्टर निकला हुआ है, एंटीना पाई जाती है, एंटीन्यूल भी पाई जाती है, तो ये एंटीन्यूल दिखा रखी है अपन ने और ये एंटीना दिखा रखी है, कंपाउंड आई यहाँ पर पाई जाती है और ये इसमें पूरी की पूरी एब्डोमेन है। और एब्डोमेन के ऊपर देखिए आप यहाँ पे प्लियोपोर्स लगे हुए हैं यानी तैरने के लिए इसके अंदर प्लियोपोर्स पाए जाते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर क्या कैरापेस पाया जाता है यानी आवरण पाया जाता है। और यहाँ पर भी ये सेकेंड मैग्लिपिड भी दिखा रखी है अपन ने, तो इस तरीके से ये एलिमा लार्वा है जो कि एक तरीके से मॉडिफाइड जोइया है और ये स्क्यूला के अंदर पाया जाता है, तो ये सिफेलोथोरिक्स और ये एब्डोमेन, हेड अपेंडिजेस में एंटीन्यूल और एंटीना और उसके बाद में सेकेंड मैग्लिपिड दिखा रखी है, बॉडी के ऊपर बाहर आवरण है वो कैरापेस का है और एब्डोमेन के ऊपर यहाँ पे प्लियोपोर्स पाए जाते हैं चलने के लिए, तो ये इसका एलिमा लार्वा है। ये जोइया से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि एक तो इसका जो टेल्सन है इसके नीचे ये टेल्सन भी पाया जाता है, ये टेल्सन थोड़ा सा काउड होता है मुड़ा हुआ होता है, एक तो ये अंतर होता है। दूसरा इसकी जो सेकंड मैग्लिपीड है वो रेप्टोरियल होती है चढ़ने के लिए, रेप्टोरियल टाइप की ये सेकंड मैग्लिपीड दिखा रखी है अपने, तो ये दो कैरेक्टर जोइया से अलग है, टेल्सन मुड़ा हुआ काउड होता है और जो सेकंड मैग्लिपीड है वो रेप्टोरियल होती है इसके अंदर, तो ये दो अंतर है किससे जोइया में और एलिमा में। और ऐसे रोस्ट्रम भी उसमें नहीं होता है, सॉरी रोस्ट्रम होता है उसके अंदर और ये मॉडिफाइड जोइया जो कि स्क्विला में पाया जाता है। तो इस तरीके से अपन ने मेन मेन जो क्रस्टेशिया के लार्वा है वो देखे। अब इन लार्वा की अगर आप इम्पोर्टेंस देखो तो एक हैकल ने नियम दिया था जिसको बायोजेनेटिक लॉ बोलते हैं और इसी लॉ को पहले बोलते थे रिकैप्चुलेशन थ्योरी। तो रिकैप्चुलेशन थ्योरी ये कहती है कि ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, यानी आज किसी भी जंतु का अपन परिवर्तन देखते हैं तो वो अपने उद्विकासीय इतिहास फाइलोजेनेटिक शिफ्ट को दोहराता है, रिपीट करता है। किसी भी जंतु का अपन डेवलपमेंट देखते हैं तो वो डेवलपमेंट है वो आज जो डेवलपमेंट अपन देखते हैं वो इसके उद्विकासीय इतिहास इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को दोहराता है। तो इसलिए ये माना जाता था कि जो नोप्लियस लार्वा है वो नोप्लियस लार्वा क्रस्टेशिया के करीब करीब एनिमल में काफी एनिमल के अंदर जो फर्स्ट लार्वा है वो नोप्लियस पाया जाता है। तो ये माना जाता है कि क्रस्टेशिया का ये एक पूर्वज है। नोप्लियस को क्या माना गया, क्रस्टेशिया क्लास के जंतुओं का पूर्वज माना गया। किस सिद्धांत के आधार पर, रिकैप्चुलेशन थ्योरी के आधार पर। बाद में इस थ्योरी को भी चेंज कर दिया गया कि बायोजेनेटिक लॉ में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब उस चीज को तो अपन, उस बात को तो अपन नहीं मानते कि वो नोप्लियस है, वो इनका एंसेस्टर है।
बट जब इन सभी लार्वा के अंदर अपन कोई होमोलॉजीज एफिनिटीज देखते हैं तो किसी दूसरे जंतु के साथ में अपने को एफिनिटीज को कोरिलेट करने में अपने को इन लार्वा को पढ़ेंगे तो उसमें को दूसरे जंतुओं को कोरिलेट करने में अपने को वो एक समझने में अपने को सहायता होती है। और इसके अलावा इन लार्वाओं की वजह से जंतु जो है उनका डिस्पर्जन काफ़ी होता है क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाते रहते हैं। तो ये एक तरीके से लार्वा की इम्पोर्टेंस है क्रस्टेशियन लार्वा की। तो आज का ये अपना टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है जिसमें अपन ने 12 लार्वा बहुत डिटेल में पढ़े और क्रस्टेशिया के जितने भी लार्वा है वो काफ़ी अडल्ट से मिलते जुलते होते हैं और उनमें अपेंडिजेज की संख्या ज़्यादा कम होती है। और ये जब अपेंडिजेज है वो अलग अलग नीची में रहने के कारण क्या होगा, इन अपेंडिजेज में किसी में ज़्यादा हो जाएंगे और किसी में कम डेवलपमेंट के दौरान, तो इनके ऊपर एक अलग अलग नीची में पाए जाने के कारण एक इवोल्यूशनरी प्रेशर होता है इनके ऊपर, जिससे अलग अलग अपेंडिजेज का बढ़ना किसी में और किसी में लॉस होना ये भी इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा भी लार्वा क्रस्टेशिया के अंदर बहुत सारे और लार्वा है, अपन ने मेन लार्वा देखे हैं यहाँ पे 12 लार्वा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लार्वा है क्योंकि शुरुआत में तो ये माना जाता था कि इसके क्रस्टेशिया का जो लार्वा है उसी को एनिमल मान लिया जाता था, एक उसके नाम पे एक अलग जेनेरा भी स्थापित कर दिया जाता था, बट धीरे धीरे बाद में पता चला कि नहीं, ये लार्वा ये अडल्ट नहीं लार्वा है। और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा किस में आती है, जो बेंथिक क्रस्टेशियंस है जो पानी के अंदर पेंदे में रहते हैं तो उनको वहाँ थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये आज का अपना टॉपिक था लार्वल फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेशियंस एंड देयर इम्पोर्टेंस। मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आ गया होगा और अगर पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अन्य साथियों को भी भेजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।